केजरीवाल की जीत में विपक्ष अपनी जीत देख रहा है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ फिर से केजरीवाल की आपको प्रचंड बहुमत मिला। आप जहां जीत के बाद तीसरी बार दिल्ली की बागडोर संभालने की तैयारी में है, तो वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने के बाद सदमे में है, हार को लेकर मंथन में जुटी है। तो देश भर में विपक्षी पार्टियों व उनके नेता केजरीवाल की जीत के साथ खुश हैं, इसी बहाने वह भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। बंगाल की ममता दीदी हो या उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव या यों कहे कि झारखंड के हेमंत सोरेन, सभी नेताओं ने भाजपा पर प्रहार किया। तो इसी क्रम में झारखंड के राजद नेता पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव ने भी कड़ा प्रहार किया। संजय यादव ने एक्सप्रेस न्यूज पर बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। झारखंड का चुनाव हुआ और उस समय भी हम लोग महागठबंधन के लोग और अपने अपने सभी पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ है, उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में कहा था कि बीजेपी का जनाधार रहा नहीं, क्योंकि बीजेपी पार्टी पर यहाँ के गरीब गुरबा सभी लोगों को, नौजवानों को बहुत आशा था और विश्वास था कि बीजेपी इस देश के लिए कुछ करेगा। लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी ने हर लोगों के साथ सौतेलापन डाला, नौजवानों को नौकरी नहीं दी, लोगों को 15-15 लाख करके गुमराह करके देश के गद्दी पर बैठा, आज झारखंड का खजाना खाली है। गरीब कल भी गरीब था और आज भी गरीब है। बीजेपी पे बहुत आशा था कि बीजेपी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे हर लोगों को रोजगार मिलेगा, अपना अधिकार मिलेगा, नौकरी में भागदारी मिलेगा, हर काम होगा। तो देख रहे, रेलवे बंद हो रहा है, एयरपोर्ट बंद हो रहा है, सारे चीजों को जो है लीज पे दे रहा है और एक ही कंपनी को दे रहा है। तो आप समझ सकते क्या है इसका परिणाम है कि लोग गरीबों का शासन चाहता है, गरीबों का विकास चाहता है, नौजवानों को नौकरी चाहता है। उसका परिणाम ये दिल्ली झारखंड जो हो रहा है, अभी बिहार में भी अगले महीने में चुनाव होने वाला है, इसी तरह से खोपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। और जो ये तानाशाही है, जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने जिस तरह से गुंडागिरी पूरे देश में कर रहा है, ये किसी से छिपा हुआ है? जिसका जनाधार है, जो गरीबों का मासिया कहलाते थे, वैसे नेता को जो है साजिश करके जो है जेल में रखा गया है। और लगता है कि कितना बड़ा अपराधी रहे, कितना बड़ा क्रिमिनल रहे, उस तरह से जेल में भी टॉर्चरिंग कर रहा है। बीमारी स्थिति में बेटा से मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये संदेश जा रहा है कि गरीबों को आज बीजेपी ने बंद करना चाहता है कि गरीब के प्रति कोई बोले नहीं, गरीब को कोई शोषण करे, गरीब का कोई लड़ाई लड़े तो उसको जेल में साजिश सोची समझी साजिश के तहत उसको बंद करके और गरीबों का जुबान को बंद करना चाहता है। तो यही एक रास्ता है कि अपना अधिकार अपना मत से ही सरकार को बदलता है और उसका परिणाम आज यह है। जिस प्रकार से ये महागठबंधन की सरकार है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका सोच पहले भी है आज भी है, निश्चित रूप से पूरी प्लानिंग में झारखंड का विकास कैसे हो, झारखंड के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, झारखंड तरक्की कैसे करे, इसके प्रति मुख्यमंत्री जी पूरा मुस्तैदी से लगे हुए हैं। चूंकि अभी तो एक महीना हुआ ही है सरकार बनने से, कैबिनेट का भी विस्तार हो गया है और पूरा सिस्टम उनके दिमाग में है। और जो बात उन्होंने चुनाव के दरमियान अपना मनोरंजन में कहा है, निश्चित रूप से उस पर खड़े उतरेंगे और गरीबों को लगेगा कि ये गरीबों की सरकार है, हमारा सरकार है, आज गरीब का बेटा मुख्यमंत्री यहां बना है, निश्चित रूप से गरीबों का विकास। महागठबंधन हर राज्य की स्थिति अलग अलग होता है, झारखंड में देखे, यूपी में देखे, बिहार में देखे, यहां सीधा सीधे मुकाबला है बीजेपी से और जनता बहुत होशियार हो चुका है। अब लोग को बुड़बक बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी अमित शाह जी ने इतना बुड़बक बना चुका है कि जनता खुद ही इतना तेज हो गया है कि नेता को पता नहीं चलने देता है कि वोटर वोट दे किसको, और वो देख लेता है कि कौन सी सरकार को मजबूती दे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ देना है और बीजेपी के खिलाफ गोलबंद होकर के मत का प्रयोग हुआ है। क्योंकि यहां सीधी सीधी लड़ाई था, बीजेपी को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे, इसलिए कि हम पार्टी भी हम लोग के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं। बिहार चुनाव के क्या साथ?